अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और इस वीडियो के अंदर हम लिवर को डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली हम चैप्टर डाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं, तो लिवर के उन एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे जो डाइजेशन के साथ रिलेट करते हैं, और साथ साथ लिवर की स्ट्रक्चर भी देखेंगे और कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, ये सब हम देखते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं लिवर से। लिवर इज़ अ लार्ज मीटी ऑर्गन। ये एक गोश्त से बना हुआ ऑर्गन है और ये आपके बेली के राइट साइड पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर जस्ट अबव द स्टोमिक और राइट साइड पे, पेट के राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। और ये काफ़ी बड़ा ऑर्गन है, इसी की प्रेजेंस की वजह से जो आपकी राइट किडनी है वो थोड़ी सी डाउन होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी। ओके, लिवर का अगर वज़न हम देखें तो ये राउंड अबाउट 3 पाउंड इसका वज़न होता है, यानी 1.5 kg का वज़न होता है। और ये रेडिश ब्राउन इन कलर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्लड, और साथ में इसमें हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है, सो बिलिरुबिन पिगमेंट भी सिक्रीट होता है, उसका कलर भी रेडिश ब्राउन होता है, उसकी वजह से इसका कलर भी रेडिश ब्राउन होता है। और जब इसे टच किया जाए तो रबरी फीलिंग आती है। फर्स्ट फैक्ट देख लेते हैं लिवर के बारे में। लिवर इज क्लास्ड एज अ ग्लैंड। लिवर को एक ग्लैंड कंसिडर किया गया है। ग्लैंड ऐसा ऑर्गन होता है जो कि सिक्रीट करता है केमिकल्स को। सो ग्लैंड इज ऑर्गन विच सिक्रीट सम सॉर्ट ऑफ केमिकल। सो हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर जो है वो बाइल की सिक्रीशन करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। सो लिवर इज एक्चुअली अ ग्लैंड, ठीक है। इसके अलावा और भी सिक्रीशन काफ़ी कर रहा होता है लिवर। सो ये एज एक ग्लैंड के तौर पर एक्ट करता है। लिवर कैरी आउट मोर देन 500 फंक्शंस। लिवर मोर देन 500 फंक्शन परफॉर्म करता है, और कहीं पर आपको 400 मिलेंगे। सो ये इंक्रीज हो रहे हैं विद द टाइम, न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं कि लिवर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इट कैन रीजनरेट। ये रीजनरेट होने की सलाहियत रखता है, वाहिद ऑर्गन है आपकी बॉडी के अंदर। सो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसे लिवर की ज़रूरत है, तो लिवर ट्रांसप्लांट जब किया जाता है तो स्पेसिफिक पोर्शन कट किया जाता है डोनर से और रिसीवर को लगा दिया जाता है। सो ये कंसिडर किया जाता है, और ये होपफुली देखा भी गया है कि लिवर जो है वो रीजनरेट कर जाता है जो डोनर लिवर देता है अगर प्रॉपर केयर की जाए। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमंस। और ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन की अगर हम बात करें जो आपकी बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट है, तो ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी के अंदर। अगर एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करें तो स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है। ओके, फंक्शन की तरफ चलते हैं। डेफिनेटली बाइल प्रोडक्शन, अब हमने देखा भी था कि लिवर बाइल की सिक्रीशन करता है, और बाइल एक ऐसा केमिकल है जो कि विच कंपोज्ड ऑफ सॉल्ट, एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये फैट, कोलेस्ट्रॉल और सम विटामिन को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है ताकि वो एब्जॉर्ब हो सकें। सो फैट और कोलेस्ट्रॉल एंड विटामिन, कौन से विटामिन, जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनकी डाइजेशन कर रहा होता है। अगर हम फैट मेटाबॉलिज्म की बात करें, मेटाबॉलिज्म आप जानते होंगे एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस रिलेट टू मेटाबॉलिज्म। सो फैट की मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, लिवर के अंदर फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों की मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। सो इफ़ फैट इन एक्सेस लिवर स्टोर देम। अगर फैट आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में आपने ईट किया है, तो वो फैट आपका लिवर स्टोर करवाता है आपकी बॉडी से। सो फैट को बहुत वाइटल कंपोनेंट और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल समझता है लिवर। सो फैट को स्टोर करवाता है, इसी वजह से कहा जाता है कि ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो जिन लोगों को मोटा होने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फैट आपकी बॉडी आसानी से एक्सक्रीट नहीं करती। फैट को बहुत यूज़फुल समझती है आपकी बॉडी, सो उसे स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। जो आपकी बेली की सबकुटेनियस लेयर है, वहाँ पर एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में ये फैट स्टोर होता है। इसके अलावा थाइज में, चेस्ट में, नेक में, इन रीजन में जो है फैट स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप डेफिनेटली फैटी नज़र आते हैं। यूज्ड व्हेन, और ये ही फैट जब आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी कम हो जाती है या ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, यानी ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होती है, अपीयर मौजूद नहीं होती, तो ये फैट ब्रेक होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो डेफिनेटली जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो जब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज ख़त्म होते हैं, तो फैट डिप्लीट होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अगर आप काफ़ी अरसे तक एक्सरसाइज करते हैं, तो डेफिनेटली आप वेट लॉस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, तो जैसे ही हम फूड खाते हैं, तो डेफिनेटली स्मॉल इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होता है मोस्ट ऑफ द टाइम और लिवर में जाता है। तो लिवर उसे डिटेक्ट करता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है, तो उस ग्लूकोज को बॉडी में भेजता है। लेकिन अगर लेवल ज़्यादा हो चुका है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को आपका लिवर जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है। और जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, अगेन वो जो ग्लाइकोजन है वो डिप्लीट होता है ग्लूकोज में और एनर्जी प्रोवाइड होती है।
प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म भी लेवर के अंदर हो रही होती है, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस, बहुत सारी सिंथेटिक प्रोटीन्स जो बन रही होती हैं वो लेवर में बन रही होती हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और इस तरह की दीगर प्रोटीन्स लेवर बना रहा होता है। और जो एक्सेस अमाइनो एसिड होते हैं, सो अगर आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में खा लेते हैं तो वो प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट की जाती है लिवर में इनटू फैट, और फैट डेफिनेटली फिर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। सो आपकी बॉडी सबसे वाइटल जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है उसे प्रोटीन्स को समझती है। सो सबसे पहले डिप्लीशन किसकी होगी, कार्बोहाइड्रेट की होगी। आपकी बॉडी सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करेगी, कार्बोहाइड्रेट जब ख़त्म होंगे तो फैट को यूज़ करेगी, और जब फैट ख़त्म होंगे तो प्रोटीन की बारी आएगी। सो प्रोटीन की डीएमिनेशन भी लिवर के अंदर होती है। डीएमिनेशन का मतलब यह है कि प्रोटीन से अमाइनो ग्रुप को हटाना और उसकी फिर रिस्पायरेशन करके एनर्जी जनरेट करना। सो आपकी बॉडी के अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो चुके हैं तो डीएमिनेशन ऑफ प्रोटीन के ज़रिए आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा लिवर जो है विटामिन और मिनरल की स्टोरेज का भी फंक्शन परफॉर्म करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन लिवर का एक और ये है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब डेफिनेटली जब आप फूड खाते हैं वो एब्जॉर्ब होकर सबसे पहले लिवर में जाता है, तो लिवर में उस फूड के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं, तो लिवर उनको डिटॉक्सिफाई करता है यानी उनके टॉक्सिक इफेक्ट से बचाता है। सो ये फंक्शन लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। अब हम डायग्रामेटिकली देखते हैं लिवर की शेप क्या होती है और कौन से पोर्शन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो इस तरीके से लिवर की शेप होती है, और इसका एक लेफ्ट लोब होता है, दो पोर्शन में लिवर डिवाइडेड होता है, एक लेफ्ट लोब एक राइट लोब, दिस इज राइट लोब एंड दिस इज लेफ्ट लोब। ओके, लिवर को एक आर्टरी जा रही होती है जो लिवर को ब्लड प्रोवाइड करती है, जिसे हेपेटिक आर्टरी कहा जाता है। हेपेटिक रिलेटेड टू लिवर, लिवर के जो सेल्स हैं उन्हें हेपेटोसाइट कहा जाता है। सो ऐसी आर्टरी जो लिवर के सेल्स को ब्लड प्रोवाइड करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसे हेपेटिक आर्टरी कहा जाता है, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लिवर। इसके अलावा लिवर को एक वैन भी जाती है जिसे पोर्टल वैन कहा जाता है, और इस वैन का फंक्शन क्या होता है कि ये ब्लड कैरी करके जाती है टूवर्ड्स द लिवर, और कौन सा और ब्लड कहाँ से कैरी करती है, फ्रॉम गेस्टो इंटेस्टिनल ट्रैक। सो जो गेस्टो इंटेस्टिनल ट्रैक है स्टोमेक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड की एब्जॉर्प्शन होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन और सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो एब्जॉर्ब हुए हुए होते हैं, वो यहाँ से सीधा जाते हैं पोर्टल वैन के ज़रिए लिवर में। सो जितने भी गेस्टो इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, और ब्लड से एब्जॉर्ब होते हुए पोर्टल वैन के ज़रिए सबसे पहले लिवर में जाते हैं। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ पोर्टल वैन। इसके अलावा लिवर की बैक साइड पे, यहाँ पर मैंने फ्रंट पे ड्रा कर रखा है, इस तरीके से एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है, और इसका फंक्शन क्या है कि ये स्टोर करता है बाइल को, यानी लिवर के सेल बाइल की सिक्रीशन करते हैं और वो बाइल जाकर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब ज़रूरत होती है, जब आप फूड खाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है, तो गॉल ब्लैडर से वो बाइल बाइल डक्ट के ज़रिए, एक नाली के ज़रिए सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है ड्यूडिनम पोर्शन के अंदर, और फिर बाइल क्या करता है, फैट वगैरह की डाइजेशन करता है, ब्रेक डाउन करता है। ओके, यहाँ तक तो समझ आ गई। अब एक और वैन है जो लिवर से बाहर जा रही होती है, ब्लड लेकर बाहर जा रही होती है, जिसे हेपेटिक वैन कहा जाता है, यानी जो लिवर सेल से ब्लड लेकर बाहर जाती है उसे हेपेटिक वैन कहा जाता है। और ये क्या करती है, डेफिनेटली लिवर से जब ब्लड बाहर जाएगा तो वो डिप्लीटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, सो वो ब्लड सीधा चला जाता है इन्फीरियर वेना कैवा में, और इन्फीरियर वेना कैवा एक ऐसी वैन है जो आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के ऑर्गन से ब्लड लेकर हार्ट की तरफ जाती है, ताकि उस ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जा सके। सो ये एक सिंपल सा लेक्चर था, होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं, लिवर हमने पढ़ा एक मीटी ऑर्गन है, और ये आपकी राइट साइड ऑफ द बेली प्रेजेंट होता है, 3 kg, 1.5 kg इसका वजन होता है, और रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, मोर देन 500 फंक्शन ये परफॉर्म करता है, और इसे एज अ ग्लैंड क्लास किया गया है, यानी ये ग्लैंड है, ये सिक्रीशन करता है डिफरेंट केमिकल्स की, जैसा कि बाइल की सिक्रीशन करता है। फिर हमने देखा कि ये फैट की मेटाबॉलिज्म कर रहा होता है, फैट को स्टोर करता है, उसे फिर ब्रेक करके एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज का काम करता है, और फिर उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं बैक इनटू ग्लूकोज,
और एनर्जी के लिए, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करता है, डीएमिनेशन के ज़रिए एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, विटामिन एंड मिनरल की स्टोरेज भी जो है वो लिवर में होती है, और साथ में डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी होता है। टॉक्सिक इफेक्ट से, जो डिफरेंट केमिकल के टॉक्सिक इफेक्ट से भी हमारी बॉडी को बचाता है, और डेफिनेटली आपने डायग्राम को समझ लिया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पैनक्रियास को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।